मेरे बम पे सूसू कर दिया तेरी तो। अबे यार मेरा बम खराब कर दिया इसने। अरे गुड्डू इतनी जल्दी में कहाँ से आ रहा है, और वैसे हैप्पी दिवाली भाई। इतना फीका विश कर दिया तूने तो, ऐसे थोड़ी विश करते हैं। तो अब क्या तेरे मुंह में चाट मसाला डाल के विश करूं? अरे नहीं भाई ऐसे थोड़ी ना विश करते हैं, विश तो करते हैं शायरी के साथ। शायरी के साथ कैसे, तू करके बता। लॉकडाउन में जिसको हमने बजाया उसे कहते हैं थाली, मोहल्ले वाले जो तुझे देते हैं उसे कहते हैं गाली, दारू पी के जहाँ तू पड़ा रहता है उसे कहते हैं नाली, दिल से मेरी दुआ है कि भगा ले जाऊँ तेरी घर वाली, और मेरी तरफ से तुझको हैप्पी दिवाली। क्या तू मेरी घर वाली भगाना चाहता है? अबे तेरी तो। अबे क्या कर रहे हो, ऐसे जलाते क्या बम? पटाखा जलाने की टेक्निक होती है टेक्निक। है टेक्निक? कैसी टेक्निक बता हमें भी। अबे तूने कभी सुसु नहीं करी क्या? सारी टेक्निक सुसु में छुपी है। है सुसु में? लेकिन भाई मैं तो सुसु पे पानी डाल आया, मतलब कि मेरी सारी टेक्निक बह गई। अबे गधे की बुद्धि, सुसु करने में टेक्निक नहीं है, सुसु करने के स्टाइल में टेक्निक है। एक बार बताओ दोनों, जब हम लोग सुसु करते हैं तो कच्चे का क्या करते हैं? उतारते हैं भाई। तो बस ये जो सुर्री है ये है इस पटाखे का कच्चा, ये हमने इसका कच्चा उतार दिया और अब लगानी है इसमें आग। अरे गुड्डू भाई हेलमेट पहन लो, कहीं पटाखा फट गया तो। अबे ऐसे कैसे फट जाएगा, तेरे भाई का नाम है पूरे लक्ष्मी नगर में, एक पटाखा नहीं फटता बिना तेरे भाई की परमिशन के। अरे पीछे देख भाई सुर्री चल चुकी है, पटाखा फटने वाला है, भागो। अबे डर क्यों रहे हो, ऐसे कैसे फट जाएगा पटाखा बिना तुम्हारे भाई की परमिशन के? यू भाई लगता है पटाखे ने तेरी टेक्निक पर ही सूजू कर दिया। अरे ओ लक्ष्मी नगर के नवाब सेनापति, जल्दी बोलो हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें दिवाली के पटाखे फोड़ने भी जाना है। नलायक अपनी माँ के पति को तो सेनापति बोल रहा है, बताओ तेरी मम्मी को। बताओ पापा, सॉरी पापा, मम्मी को क्यों ला रहे हो बीच में जब घर के दो मर्द आपस में बात कर रहे हैं, सॉर्ट कर लेते आपस में। अबे ओ फटे कच्चे वाले मर्द, दिवाली आ रही है, दिवाली की सफाई कौन करेगा, तेरा बाप? हाँ मेरा बाप। चुपचाप से मेरे साथ चल और दिवाली की साफ सफाई करवा, चल पापा पटाखे फोड़ ले, चल पापा। What a hearty, hearty. और ये कलाइयों का बेहतरीन उपयोग, और बल्लेबाज ने घुमा दिया छक्के की ओर। अरे ओ माँ लक्ष्मी नगर के धोनी तमीज में। सॉरी पापा सॉरी। हाँ हेलो, हाँ नीचे, हाँ आया दो मिनट में आया, मैंने खाना ऑनलाइन मंगवाया था, मेरा ऑर्डर आ गया, मैं नीचे लेके आ रहा। छत की सफाई तो हो गई, एक काम करता हूँ ऊपर टंकी वाली छत की सफाई भी कर देता हूँ, पापा खुश हो जाएंगे और मुझे इनाम देंगे। अरे गुड्डू बेटा खाना खा ले। ये गुड्डू कहाँ गया? फिर अपने दोस्तों के साथ पटाखे चलाने चला गया होगा काम छोड़ के बीच में। अरे वाह ये देखो साहब जादे ने सीढ़ी में ये छोड़ रखी है। oh, no. कैसी नलायक औलाद पैदा कर रखी है मैंने, काम करता नहीं है लेकिन मेरा सारा काम बढ़ा देता है। हेलो हाँ मोनू। अरे गुड्डू भाई हमारे मोहल्ले में ना लड़ी पटाखा मिल रही है 10 की 1 किलो। क्या बात कर रहा है, लड़ी मिल रही है 10 रुपए किलो अपने ही मोहल्ले में? अरे भाई रोक के रख अभी आ रहा हूँ, लड़ी फोड़ूंगा मजा आएगा, लड़ी फोड़ूंगा मजा आएगा, मजा आएगा मजा। अरे सीढ़ी का, अरे बचाओ, अरे सीढ़ी का। पापा मेरे प्यारे पापा, अरे वाह पापा आपके तो डोले आ रहे हैं, जिम में जा रहे हो क्या?
पता है मिसेस वर्मा भी बोल रही थी कि तेरे पापा तो। मिसेस वर्मा मेरे बारे में क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी पता? हाँ हाँ बता दूंगा, लेकिन पापा पहले 500 रुपए तो दो। क्या 500 रुपए? अबे इतनी बड़ी अमाउंट बोलने से पहले वार्निंग तो दे दिया कर, मुझे हार्ट अटैक आ गया तो। क्या यार पापा, बस 500 रुपए ही तो मांगे हैं। तो कम होते हैं क्या 500 रुपए? क्या करेंगे इतने सारे पैसों का? वो पापा दिवाली है ना, तो पटाखे लेकर आऊंगा। अरे बेटा पटाखे हैं तो सही घर में, उसके लिए क्यों पैसे खर्च करने हैं? पापा कहाँ है पटाखे, लाओ दे दो। ये लो जी पटाखा, कैसा लगा? आ गया स्वाद, और चाहिए? अरे पापा मुझे क्यों फोड़ दिया, पटाखा छोड़ी हूँ मैं। निकल यहाँ से, बड़ा आया 500 रुपए दे दो। ठीक है फिर, मैं एक काम करता हूँ, वर्मा आंटी वाली बात ना सीधा मम्मी को बता देता हूँ। अरे मेरे बेटे मेरे राजा बेटा, क्या हुआ? अच्छा तुझे 500 रुपए चाहिए थे ना, ये ले, तू 500 छोड़, तू 1000 रुपए पकड़। और बता वर्मा आंटी मेरे बारे में क्या कह रही थी बता? 1000 रुपए, अब तो पटाखों की लाइन लगा दूंगा। हाँ हाँ लगा दियो लाइन, लेकिन पहले ये बता मिसेस वर्मा मेरे बारे में क्या क्या रही थी। अच्छा वो तो वर्मा आंटी पूछ रही थी कि हमारी घर की छत पे छेद वाले फटे कच्चे किसके सूख रहे हैं। मैंने बोल दिया मेरे पापा के। अबे गुड्डू के बच्चे, कम से कम मिसेस वर्मा के सामने तो मेरी इज्जत बने रहने देता। अबे गुड्डू ये कैसे बच्चों वाले बम फोड़ रहा है? ये देख ये फोड़ते बड़े वाले बम, मजा आएगा। बड़े वाले बम भाई छोड़ना ये सब, वो कहना बड़े वाले बम फोड़ता हूँ ना तो मेरा साबुन बहुत वेस्ट होता है। बम फोड़ने से साबुन वेस्ट होता है, वो कैसे? बम की आवाज सुन के ना मेरे कच्चे में पॉटी निकल जाती है, तो फिर कच्चे ढूंढने पड़ते हैं ना बार बार। अबे यार क्या बच्चों की तरह डर रहा है, मेरे पे भरोसा है ना? है ना? हाँ हाँ, तो बस देखता जा। अबे ये सारे बम तो मैं पैरों के नीचे ऐसे यूं कुचल देता हूँ। लगता फुस्सी है। फुट गया, देखा कुछ हुआ नहीं ना? वाह भाई तू तो बहुत बहादुर है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं भी ना पॉप रखता हूँ पैर के नीचे फोड़ता हूँ। अबे ओ फट्टू, ये वाला बम नहीं, ये वाला बम, ये फोड़। ओ नहीं ओए भाई, ये तो बहुत बड़ा बॉम्ब है, ऐसा मत कर भाई प्लीज। अबे कुछ ही नहीं होगा, हलवा बम है ये तो। भाई रहने दे। देखा फटा ना, आ गया ना मजा, मैं पहले ही बोला था हो गया ना धुआं धुआं। अबे ओ मेरा एक पैर उड़ गया, कल ही नई साइकिल खरीदी थी मैंने, अब कैसे चलाऊंगा साइकिल? अरे यार गुड्डू कुछ भी तो नहीं हुआ, तुझे तो बल्कि खुश होना चाहिए कि तूने आज फट्टू से डेयरिंग का होने वाला पहला टेस्ट पास कर लिया है। मतलब अब मैं फट्टू नहीं हूँ। चलो ये बढ़िया हो गया, अब मैं चलता हूँ घर, बाय बाय टाटा। अरे ओ कहाँ जा रहा है? अभी तो तेरा पहला टेस्ट पास हुआ ना कि दूसरा, अभी तो अगला बम तेरी छाती पर रख के फोड़ना है। क्या छाती पे? अबे ओ कंगारू सी शक्ल के, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अबे कुछ नहीं होगा, तू बम की क्वालिटी देखेगा ना बम नहीं हो जाएगा। भाई कुछ होगा तो नहीं ना? अबे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत मजा आएगा। अरे भाई रहने दे भाई, अरे क्या करके मानेगा, अरे भाई। देखा 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 क्या मस्त आवाज आई थी, एकदम सुरूर ही बन गया। अबे ओ सुरूर के बच्चे, चीठड़े उठ चुके हैं मेरे, फटा हुआ बैगन बन चुका हूँ। यार तू भी ना गुड्डू रोता ही रहता है। अबे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तूने टेस्ट पास कर लिया, आज से तू बहादुर है। मैं बहादुर बन चुका हूँ। अरे और क्या मेरे बहादुर दोस्त। अरे भाई ये क्या चीज है? अरे भाई तू जीत गया ना, तो ये तेरी ट्रॉफी है, इनाम। भाई ये ग्रेनेड फटेगा तो नहीं ना? अरे नहीं भाई ये अभी नहीं फटेगा, ये सीधा 10 बजे ही फटेगा। अच्छा सीधा 10 बजे फटेगा, फिर ठीक है। अरे ले बच गए 10। यार गुड्डू तू भी ना एक ग्रेनेड में सो गया। अरे उठ जा भाई, अभी तो तुझे हाथ में रॉकेट पकड़ कर चांद पे भी जाना है। उठ जा उठ जा, अरे उठ जा भाई। ओ आलू बम जैसी शक्ल, मार मार के और कहाँ पूछाएगा, चांद से भी ऊपर भेज दिया, चांद से मरने भी नहीं देते।